मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फरहदा में आयोजित भक्त माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जिले वासियों को 25 करोड़ 67 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास कर बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कहा है कि क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग उल्सापुर से मुंगेली होते हुए डोंगरगढ़ तक प्रस्तावित रेलवे लाइन के कार्य में अब तेजी आएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 300 करोड़ रुपए को स्वीकृति प्रदान की है। ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा के नवनिर्मित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था। इसमें ग्रामवासी और यहाँ के जो बेटा है पूर्व सांसद लखनलाल साहू जी और यहाँ के 7 बार विधायक पूनमलाल मोहले जी के द्वारा हम लोगों को बुलावा था, जिसमें हम लोग शामिल हुए और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और ये मंदिर गांव वाले एक एक घर से पैसा जोड़ के 20 लाख से ऊपर का खर्चा हुआ है, बनाए हैं। कहीं से दूसरे गांव से भी सहयोग नहीं लिए हैं, न कहीं से भी सहयोग नहीं लिए हैं, पूरे गांव वाले बनाए हैं। बहुत अच्छा उनका पहल है और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है। भक्त माता कर्मा का आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे, ये कामना करते हैं।